देखो बच्चों, अपन ने वेलोसिटी वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया था प्लेन मिरर के अंदर। तो वही वेलोसिटी वाले के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे, मैं उनके आपके आंसर्स आप लोगों को बता दूं। उसके पहले मैंने जो कुछ क्वेश्चंस पे स्टार लगवाया था, जिसके अंदर वेलोसिटी का जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे उनको मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। और वो कौन से क्वेश्चन है, ये वाले। आपको मैंने बताया था कि ये एक मिरर है जो यहाँ से थीटा एंगल पे है और एक ऑब्जेक्ट जो था वो इधर की तरफ जा रहा था कितने से, v वेलोसिटी से, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये x डायरेक्शन है और ये क्या है, y डायरेक्शन। और आपसे पूछा हुआ था वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। देखो बच्चों, इसको थोड़ा समझना, पहली चीज देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट ऐसे मत रखना कि अच्छा सर ने बताया था तो ये ऐसे जा रहा होगा, नहीं। पहले ये चेक करो कि क्या आपका जो मिरर है उससे जो वेलोसिटी आपको दे रखी है v, उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे। क्यों नहीं दे रखे, आप देखो ध्यान से सुनो। मैंने आप लोगों को एग्जांपल की फॉर्म में ये चीज बताई थी कि जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर, तो जैसे ये यहां से ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है v नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, तो मैंने कहा था कि ये v नॉट cos थीटा है और ये वाला हमारे v नॉट sin थीटा है, तो कौन सी वेलोसिटी में चेंजेस आते, ये वाली मिरर से परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो होती है केवल उसी में चेंजेस आते हैं, बाकी पैरेलल वाली वेलोसिटी तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट की होती है वो की वही रहती है। तो मुझे एक चीज बताओ, मेरा मेन काम क्या है कि हम जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मुझे पहले मिरर के परपेंडिकुलर और पैरेलल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो अब देखो, अगर मैं मिरर के पैरेलल और परपेंडिकुलर वेलोसिटी की चर्चा करूं तो देखो ये हमारा मिरर हो गया, सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन था, इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये हमारी वेलोसिटी जो उसको बोल रखी है वी नॉट, क्या मिरर के पैरेलल एक डायरेक्शन तो ये हो गई, ठीक है, और परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ये हो, मिरर के पैरेलल एक डायरेक्शन ये हो गई, परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन। पैरेलल है तो क्या ये एंगल थीटा, क्या ये के दू वी नॉट कॉस थीटा और ये क्या आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा, सही है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा अब चर्चा करते हैं इसके बारे में, इमेज के बारे में। इमेज के बारे में देखो, क्या इसकी जस्ट इमेज यहां बनने वाली है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब जो पैरेलल वेलोसिटी है वो तो एज इट इज रहने वाली है, कितनी v नॉट cos थीटा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी उसके अंदर आपने देखा था vi इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ vm माइनस vo, अब अगर मिरर रेस्ट पे है तो vi इज इक्वल टू माइनस vo आएगा, और जब माइनस vo आएगा इसका मतलब जो भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जानी चाहिए, इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कितनी वेलोसिटी से v नॉट sin थीटा से, ध्यान से समझो यहां पे क्या होगा, ये v नॉट sin थीटा से जाएगा, ये v नॉट cos थीटा से, ये अभी भी वही एंगल बना रहे हैं थीटा। आप देखो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो आप यहां पे इसको निकाल सकते हो आई कैप जे कैप की फॉर्म में, कैसे निकालेंगे देखो, अगर मैं यहां पे आप लोगों को पूरा कंप्लीटली बताऊं तो देखो ये v नॉट cos थीटा यहां से थीटा एंगल बना रहा है, ये इमेज की बात कर रहे हैं अपन, तो बताओ क्या ये वेलोसिटी v नॉट cos स्क्वायर थीटा, कंपोनेंट लोगे तो इधर x डायरेक्शन में, और यहां क्या जाएगा v नॉट sin थीटा cos थीटा, इस वाली वेलोसिटी का तो आपने कंपोनेंट कर लिया, ठीक है। अब इसकी चर्चा करते हैं, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए ये देखा हमने ये डायरेक्शन है, और अगर आप यहां पे देख रहे हो ये थीटा, ये 90 डिग्री 90 माइनस थीटा होगा, तो मेरे को पता है कि ये वाला एंगल जो है, देखो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा आने वाला है, और ये वाली वैल्यू कितनी है v नॉट sin थीटा है कि नहीं है, है ना, तो ये वाला कंपोनेंट इसका इधर वाला क्या होगा v नॉट
साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला क्या आने वाला है वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वी नॉट साइन थीटा इनटू साइन थीटा होगा। अब मुझे बताओ दो नेट वेलोसिटी अगर मुझे लिखनी है, क्या लिखनी है नेट वेलोसिटी, तो आप ये लिखोगे ना नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या बोला नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज, एक इमेज की वेलोसिटी इधर है और एक इधर है, तो नेट क्या हुई, क्या यही हुई v नॉट cos स्क्वायर थीटा माइनस v नॉट sin स्क्वायर थीटा, आई के ठीक है, तो दोनों वेलोसिटी क्या आ रही है ऊपर की तरफ, तो यही आया ना v नॉट sin थीटा cos थीटा प्लस v नॉट sin थीटा cos थीटा j के, यही आएगा। तो आई के में नेट वेलोसिटी लिख दी, जे के में नेट वेलोसिटी लिख दी। अब बताओ क्या ये फॉर्मूला थोड़ा देखा देखा लग रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, और यहां देखो ये बना टू साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा एड होते ही, तो ये क्या बन गया बी नॉट साइन टू थीटा जे के, v नॉट टू साइन थीटा जे के। तब मुझे बताओ एक्सपेक्टेड कैसा आंसर था, कैसा आ गया, क्वेश्चन अच्छा था या नहीं था, इस वजह से ही मैंने आप लोगों को उस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगाया, ठीक है। अब चर्चा करते हैं अपन दूसरे वाले क्वेश्चन की, दूसरा वाला क्वेश्चन जो था उसके बारे में भी अपन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन जो था उसके अंदर क्या था, ये एंगल आपको बीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, ये वाला एंगल जो है वो बीटा दे रखा है, आपको बोला था कि ये ऑब्जेक्ट है, बोला था ये मिरर बन है, और ये क्या था मिरर टू। जिन बच्चों ने नहीं किया है या कर लिया है प्लीज क्रॉस चेक जरूर करना, इसमें थोड़े डिफरेंसेस आएंगे। देखो क्या चर्चा करने वाले हैं यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है ठीक, मिरर वन के अंदर और मिरर टू के अंदर, देखो जब बात करते हैं उसने कहा था अपने से बोला हुआ था फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर वन एंड टू, आपको क्या करना है मिरर वन में जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मिरर वन की बात करते हैं ना, तो मिरर वन के अंदर अगर अपन चर्चा करें तो मिरर वन में क्या होगा, मिरर वन में तो मुझे डायरेक्ट दिखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो होगी वो डायरेक्ट यहाँ बनेगी, अगर ये v वेलोसिटी से ज्यादा है v नॉट से तो यहाँ पे भी क्या होगा v नॉट, ठीक है। मान लो अपने को डायरेक्शंस वही दे रखे हैं, ये x दे रखा है और ये क्या दे रखा है y, है ना, तो आप क्या लिखोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर वन क्या जाएगा v नॉट jk, क्योंकि पैरेलल वेलोसिटी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्योंकि जहां पे प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे चेंजेस हो रहे होते हैं। मुझे बताओ इन मिरर टू की बात करो, इन मिरर टू, तो मुझे बताओ मिरर टू के लिए क्या होगा, मिरर टू हमारा ऐसा है, और अभी आपने एक चीज देख ली थी कि जैसे ही मुझे ये पता होगा ये v नॉट, ठीक है, तो यहां क्या जाएगा, देखो ये वाली डायरेक्शन में अगर आप कहोगे तो ये आ गया बीटा, ये आएगा कितना v नॉट cos बीटा, और ये आ जाएगा v नॉट sin बीटा, ये तो पहले ऑब्जेक्ट के अपन ने कंपोनेंट करे पैरेलल और परपेंडिकुलर, ध्यान से ये चीज समझना, मुझे x और y डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, मुझे लेना देना है किससे मिरर की पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, ठीक है। अभी भी मिरर स्टैटिक कंडीशन में, इसका मतलब
ये वाली तो इमेज की ऐसे ही रहेंगी, कैसे ये कितना एंगल बनाते हुए बीटा और कितनी वेलोसिटी वी नॉट कॉस बीटा। फिर इसका क्या होगा, इसका ये हो जाएगा कि जब अपन यहां पे देखेंगे तो ये डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, कितनी वी नॉट साइन बीटा, अभी बताया था ना वी आई इज इक्वल टू ट्वाइस वी एम माइनस वी नॉट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा होता है। अब कंपोनेंट कर लो, ये 90 डिग्री है तो अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट करेंगे तो कैसे, वापस से करके बता रहा हूँ, यहाँ से देखो एक ऑब्जेक्ट यही समझ लो बॉय ऊपर की तरफ आ रहा था, आपसे बोला हुआ था कि कितने टाइम तक वो देख पाएगा, तो इसका आंसर जो टाइम का आ रहा था, टाइम जो आएगा इसमें 3D/U आएगा। जिन बच्चों को ये चीज नहीं आती है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उससे व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए पूछ सकते हो, ठीक है। फिर अगला तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया जिसके अंदर आपको लेंथ ऑफ मिरर दे रखी थी और पार्ट ऑफ इमेज देखना था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था कि 5 मीटर के तो फादर है 1.5 मीटर का सन है और दोनों ऐसे कुछ सीनेरियो आपको दिया था। क्वेश्चन ये था कि 5 मीटर के तो फादर सन जो है वो 1.5 मीटर, ये 5 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की डिस्टेंस, इससे 1 मीटर पे आपको सॉरी यहाँ पे दे रखा था 5 मीटर ही है, कितना दे रखा था 5 मीटर, ठीक है। ये तो 5 मीटर था, ये 1 मीटर था और यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ से 3 मीटर पे मिरर रखा हुआ था, ठीक है। आपसे पूछा था लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड क्या होगा, तो इसके अंदर क्या है बच्चों, आंसर आएगा 6/7 + 14/13। ये सॉल्विंग कर रखा वही दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली हुई है, तो वहां पे इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वही करें, ठीक है। तो इसके बाद आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था स्पॉट वाला, स्पॉट वाले के अंदर आपसे बोला हुआ था कि अपन मिरर को रोटेट कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे थे मिरर को, उसका आंसर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अपन आते हैं वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस पे, तो वेलोसिटी पे मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था उसका आंसर ये है, आपके पहले क्वेश्चन के अंदर मिरर जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, यहां पे ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से है, इमेज आपकी वेलोसिटी पूछी थी वो -2 मीटर पर सेकंड आएगी। फिर नेक्स्ट बताइए ये 5 मीटर पर सेकंड से रेस्ट पे था, मिरर मूव कर रहा था, इसके अंदर 2 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर जा रहा था, एक्सवाई प्लेन घुला हुआ था, आपसे पूछा हुआ था वीआई क्या होगा, तो वीआई का आंसर आएगा 0। वीआई का आंसर कितना आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो तो रेस्ट पे है और हमें पता है जिस प्लेन में ही जा रहा है वाई वाले में उसके अंदर मिरर की वेलोसिटी से तो कोई लेना देना होता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को दिया था बस अवेलेबल नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन बच्चों ने किया है वो मैसेज के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, प्लेन मिरर का नेक्स्ट वेरिएशन। नेक्स्ट वेरिएशन जो है सभी बच्चे आंसर पोस्ट कर ले, है ना, ठीक है। देखो मान लो अगर मेरे से बोला जाए तो मैं आप लोगों को जो ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान से समझे, क्या है क्वेश्चन हमें दे दिया, आपसे बोला जाए कि ये 1 मीटर है,
ये टू मिरर है, यहाँ से डिस्टेंस है 4 मीटर और यहाँ से डिस्टेंस है 7 मीटर। ठीक है, आपसे बोला गया टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम 1, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 5th इमेज फ्रॉम 1। क्या बोला? अब देखो ये क्वेश्चन ही अलग हो गया। क्वेश्चन के अंदर अलग कैसे कि दो मिरर है, उनके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मिरर 1 मिरर 2 दे दिया, ऑब्वियस सी बात है यहां नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनने वाली है। ठीक है, बिकॉज़ इट इज लाइंग इन द फील्ड ऑफ व्यू रीजन। ठीक है, अब फील्ड ऑफ व्यू रीजन में लाइंग करने तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेट करने का तरीका देखो, मैं बता रहा हूं ध्यान से समझना। सॉल्व करेंगे तो क्या, ये लिखोगे m1 और यहां पे m2, ये क्या है मिरर 1 और मिरर 2। तो मिरर 1 से डिस्टेंस कितनी? 4, यानी पहली इमेज जो बनने वाली है वो कितनी डिस्टेंस पे? 4 पे। दूसरी क्या होगी? 7। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब कुछ मत करो, मिरर के बीच की डिस्टेंस ऐड करते चलो। क्या बोला? मिरर के बीच की डिस्टेंस ऐड करते चलो। मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 11। 4 + 11 = 15। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 11 + 7 कितने हो जाएंगे? 18। अब निकाल सकते हो, जज्जे जिस जोन से पूछेगा वो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। ये आ गया, ये कितनी? 15 + 11 = 26 आंसर आता जाएगा। तो हमारे से क्या पूछा है कि ये फिफ्थ है, फिफ्थ वाले इमेज की फर्स्ट से डिस्टेंस क्या 29 मीटर है? आंसर आया कि नहीं आया? तो ये वाली चीज है कि अगर मान लो हमारे सामने प्लेन मिरर दो पैरेलल रखे हुए हैं और हमारे से नंबर ऑफ इमेजेस पूछी जाए तो वहां पर इस तरीके से करना, कौन से भी नंबर ऑफ इमेजेस पूछ रहे हैं वहां हमारे कोई दिक्कत नहीं है, वहां अपन कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बताया ना m1 m2 लिखो, उनकी पहली पहली इमेज बनाओ, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द मिरर जो है वो ऐड करते चलो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। मान लो ये बोलते हैं कि 8th इमेज की डिस्टेंस बताओ, किसकी 8th इमेज की डिस्टेंस बताओ किससे? m2 से, तो आप निकाल सकते हैं ना, आंसर आ जाएगा अपना। यहां आ जाएगा 6 फिर 7 फिर 8, 8 से डिस्टेंस आ ही जाएगी। देखो ये आएगा कितना, ये आ गया 6, फिर जब आप 7 बनाओगे तो क्या आ जाएगा? 37, 11 ऐड करोगे तो, और 8th वाली इधर आ जाएगी कितनी, यहाँ पे 11 ऐड करो कितना आ गया? 40। यानी M2 से कितनी डिस्टेंस पे? 40 डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे कि मान लो जो मिरर्स है वो रखे हुए हैं किस पे? किसी एंगल। अब अपन नेक्स्ट पे अगर देखें सेकंड इसी में, इफ मिरर्स आर प्लेस्ड at an angle, क्या बोला हुआ है? मिरर जो है वो किसी एंगल पे रखे हुए, एंगल पे रखे होने का मतलब क्या हो जाएगा कि यह आया और यह आया। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? यहां पे। और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इमेजेस बताओ, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस क्या करेंगे? अगर फर्स्ट आपसे बोल दिया कि पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू आएगी 360/थीटा। अगर इसकी वैल्यू n आती है, क्या है? 360/थीटा। अगर आपसे बोल दिया कि n की वैल्यू इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या जाएगा? n-1 है ना। मैं आपको बता दूं कैसे, मान लो हमें दे दिया कितना 30 डिग्री, ठीक,
360 अपॉन 30 करो कितना आया 12। नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू 12 आ रही है, आंसर क्या जाएगा 11। ये क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है ना। अब इसी जगह मैं कहूंगी सेकंड, एन की वैल्यू ऑड इंटीजर, क्या है एन की वैल्यू ऑड इंटीजर, तो इसमें दो केस बनते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिक, है ना, और यहां पे नेक्स्ट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिक, दो केस बन रहे हैं। देखो क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिक रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट बोला हुआ है कि असिमेट्रिक रखा हुआ है, ठीक, तो नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्वियसली बात है जब सिमेट्रिक होगा तो क्या आएगा एन माइनस, और अगर ये है एन, नंबर ऑफ इमेजेस की बात करें तो ये एन माइनस वन तो क्या होगी नंबर ऑफ इमेजेस, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस। ये तरीका होगा बच्चों सॉल्व करने का, है ना। अब इसमें डिफिकल्टी क्या आती है, डिफिकल्टी ये आती है मान लो दोनों के बीच का एंगल है 70 डिग्री, क्या है दोनों के बीच का मिरर के बीच का एंगल कितना है 70 डिग्री, डिवाइड करो 360 डिवाइड बाय 70, आंसर क्या है 5 point something, इंटीजर तो कुछ आ ही नहीं रहा, फिर ये तो तरीका ही फेल हो गया। इसका मतलब अब क्या करेंगे, तो अब करने का तरीका देखो, मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना उस तरीके से हमेशा आंसर आएगा, उस तरीके से हमेशा आंसर आएगा। अब कैसे आएंगे देखो, अब मैं उसका लॉजिक भी बताऊंगा आपको कि किस तरह, ये तो आपको नोट करना ही है, ये तो देखो अगर अपने को फ्रिक्वेंट अच्छे से क्वेश्चन करना है तो ये तो जल्दी हो ही जाएगा अगर इंटीजर में है तो, पर मान लो अगर इंटीजर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो इंटीजर नहीं है तो फिर देखो ये वाला तरीका आ जाना है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। मान लो हमारे से बोल दिया जाए कि ये और ये दोनों के बीच का एंगल है 50 डिग्री, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इससे तो एंगल बना रहा है 20 और इससे एंगल बना रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये मिरर वन और यहाँ पे मिरर, पूछा जाए नंबर ऑफ इमेजेस बताओ क्या हो, नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। देखो कैसे करेंगे, वही तरीका m1 लिखो m2 लिखो, क्या करो m1 लिखो m2 लिखो, क्या होगा m1 से एंगल कितना है 20 डिग्री, m2 से एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है, यानी m1 पहला जो इमेज बनाने वाला है वो कितने पे बनाने वाला है 20 डिग्री पे, खुद से 20 डिग्री बनाते हुए, है ना। m2 जो यहाँ पे जो मिरर 2 है वो इमेज बनाने वाला है कितने पे 30 डिग्री पे, यानी इससे 30 डिग्री बनाता हो, अब कुछ मत करो, समझ गए ना क्या करना है, दोनों के बीच का एंगल ऐड करते चलो, 50 ऐड किया तो कितना 70, ये 30 ऐड किया तो कितना 30 और 50 कितना हो गया 80। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे करते चलेंगे क्या, कितना करते चलेंगे, देखो यहाँ फिर 50 ऐड किया तो 130, यहाँ पे फिर मैंने ऐड किया तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। इसको अपन वैसे भी कर सकते थे, देखो n की वैल्यू निकाली 360 अपॉन 50, ये आएगा 7.2, ऐसा कुछ आएगा, इंटीजर तो नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, चेक कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, मुझे ये बताओ 130 ये तब तक करना है बच्चों जब तक कि एंगल का सम 360 से कम या 360 के बराबर नहीं हो जाता, इससे ज्यादा अगर हो गया तो फिर इमेजेस क्या हो जाएगी कॉइंसाइड कर जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं ये किया मैं, ऐड करो 70 + 80 कितना हो गया 150, 150 + 50 करो दोनों के बीच का एंगल कितना आया
360 से कम है, तो इसका मतलब नेक्स्ट अभी तो बहुत कम है, नेक्स्ट इमेजेस भी बन सकती है। अगला क्या है, 130 है ना। आप ये सोच रहे हो कि क्या पता अगले वाले में काम, देखो 130 आ गया, अब 130 प्लस 70 करके देखो 200 प्लस 50 करके देखो 250, अभी भी 360 से नहीं आया, यानी अगली इमेज भी बनेगी, तो ये वाली इमेज भी बना दो। अब देखो 120 और ये कितना, 130 कितना हो गया 250 प्लस 50 करोगे तो कितना हो गया 300 हो गया। फिर मैंने अगली इमेज बनाई, अगली इमेज कैसे, ये वाली कितना आएगा 170 बनाया, 170 हो गया, 50 ऐड करते हैं। अब मुझे बताओ 170 प्लस 130 कितना हो गया 300, 300 प्लस 50 कितना हो गया 350, यानी अब अगर अगली इमेज बन गई, अब अगर अगली इमेज बन गई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 360 से क्रॉस हो जाएगा, यानी अब हमारे पास इसके बाद चेक करने का कोई नहीं है। तो नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 5 6 7 आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ इमेजेस। अब बताओ क्या इजी है, क्या ये है या नहीं। अब इससे तो ये भी बता सकते हो आपकी कौन सा जो इमेज है वो किससे कितना एंगल बना रही होगी, इसमें तो ये भी फायदा है कि अगर आपने इस मेथड से किया तो आपको इसी भी फोर्थ, जैसे मैंने कहा कि फोर्थ इमेज की F2 से एंगल बताओ कितना आएगा 80 डिग्री डायरेक्ट बता दो, उससे नहीं बता सकते हो आप। तो ये तरीका मैं इसलिए बता, हम फॉर्मूला और इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। कैसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, मान लो दो मिरर है एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे हुए, दो मिरर है एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे हुए, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कहीं पे है, ये तो बना रहा है यहाँ से 40, यहाँ से बना रहा है 50, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर मैं फॉर्मूले से करूँ तो क्या करोगे कि 360 बटे 90 आंसर कितना आया 4, तो उसने तो ये बोला था अगर एन की वैल्यू इवन आ जाती है तो डायरेक्ट एन माइनस 1 कर दो, कितना आएगा आंसर 3 नंबर ऑफ इमेजेस। यहाँ अगर आपको दिख रहा है ना तो डायरेक्ट इसी से किया करो नंबर ऑफ इमेज, तो जैसे जिसमें अगर इंटीजर दिख रहा है तो तरीका हमेशा अपना ये वाला होना चाहिए। और अगर मैं उसकी बात करूं तो कैसे चेक करेंगे, पहले M1 लिखूंगा M2 लिखूंगा, यहाँ क्या आएगा 40, यहाँ क्या आएगा 50, करो नब्बे ऐड करेंगे तो कितना 130, इसमें 90 ऐड करोगे तो कितना। अब पहले क्रॉस चेक कर लो, क्या कर लो क्रॉस चेक कर लो, क्या 360 या 360 से ज्यादा नहीं हो गया, देखो मैंने बोला है किससे 360 या 360 से ज्यादा नहीं हो जाए। देखो 130 प्लस 50, 130 प्लस 50 कितना होता है 180 प्लस 90 270, ठीक है यहाँ कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मैं अगली इमेज बना दूंगा तो अगली इमेज देखो यहाँ कितनी आ गई 140, कितनी आ गई 140, देखो 140 प्लस 130 और प्लस 90 अगर करोगे तो 360 हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब ये और ये इमेज कॉइंसाइड कर रही है। तो क्या करना है, इफ एंगल सम ग्रेटर देन इक्वल टू 360 देन नंबर ऑफ इमेजेस कॉइंसाइड, जो इमेजेस है ना वो कॉइंसाइड कर जाएगी। तो ये ध्यान में रखना, ये नंबर ऑफ इमेज कितनी बन रही है 1 2 3, समझ में आई ये वाली क्यों नहीं थी, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ इमेजेस का कांसेप्ट है, होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन पे, वो भी मैं बहुत जल्दी से आपको बता दूं क्योंकि फिर आपका क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, तो अपन नेक्स्ट उस पे चलते हैं। मैं आप लोगों को जो अब नेक्स्ट बताने वाला हूं वो इंटेंसिटी का कांसेप्ट, ताकि फिर आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्फेरिकल मिरर को स्टार्ट कर सके। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है इंटेंसिटी कंसेप्ट, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है इंटेंसिटी कंसेप्ट। चलो तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटेंसिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इंटेंसिटी के क्वेश्चन को मान लो हमारे से बोल दिया जाता है कि ये प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर,
यहां पे रखा हुआ है क्या, सोर्स है ना, पावर सोर्स। कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डी डिस्टेंस। और यहां हमने लगा रखी क्या, स्क्रीन, जहां इसका क्या बन रहा है, स्पॉट बन रहा है। देखो इसमें एक और चीज मैं बताता हूं आपको, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी सोर्स, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, चलो आप स्फेरिकल में ये कंसेप्ट क्लियर करूंगा अभी यहां रहते हैं। तो हमारे से पूछा हुआ है क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी रिसीव एट स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आने वाली है। तो देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्क्रीन पे जो आने वाली है उसको निकालने का तरीका क्या होता है। इंटेंसिटी तो अपने को पता है, इंटेंसिटी जो होती है वो क्या आती है, ये आती है हमारे पास पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, पावर के अंदर अगर आप बात करें तो पावर पर यूनिट एरिया के अंदर कितना जाएगा हमारे से यहां पे अगर पूछे तो ये आ जाएगा कितना, पावर तो पी पावर का तो सोर्स है, इंटेंसिटी कितनी रिसीव हो रही है। अच्छा ये डिस्टेंस हमारे को दे रखी है डी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। मेरे हिसाब से अगर ये मिरर नहीं होता, जैसे मैं फर्स्ट केस लेता हूं, इफ मिरर विल नॉट बी देयर, विल नॉट बी देयर, अगर हमारे से बोला जाए कि वहां पे मिरर नहीं होता तो क्या पावर का सोर्स डी डिस्टेंस पे, तो मुझे बताओ इंटेंसिटी क्या करोगे। तो हमें एक चीज पता है कि यहां पे क्या बन रहा होता, यहां पे बन रहा होता एक सर्किल, स्फीयर सॉरी, जिस पे इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या करते हैं हम, यहां बोलते हैं आई इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई और डी स्क्वायर, यही होता भाई। जो भी इंटेंसिटी बोलते तो पावर पर यूनिट एरिया होता, यानी स्क्रीन पर रिसीव होने वाली जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी हो जाती, पी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। अब मुझे बताओ सेकंड, व्हेन मिरर इज प्लेस्ड, व्हेन मिरर इज प्लेस, तो मिरर के प्लेस होने से फर्क क्या हुआ, उसकी खुद की इंटेंसिटी पे फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो क्या है, स्क्रीन, और यहां पे आपके क्या है, ऑब्जेक्ट, और यहां पे क्या है, मिरर, कितनी डिस्टेंस पे, डी पे, और यहां पे भी कितना है, डी पे, और यहां क्या करें, ये है इमेज। तब मुझे बताओ ये इमेज भी क्या करेगी, अपनी इंटेंट, भाई ऑब्वियस बात है यहां से ले गई और इस पे टकराएगी ना, तो मुझे एक चीज बताओ ये वाली जो है वो एक सर्किल बनाएगी कितने का, क्या यहां से डी डिस्टेंस होगा, तो ये इमेज को सेंटर बनाते हुए क्या ये यहां पे स्फीयर बनेगा, और स्फीयर की कितनी लिखोगे आप, इंटेंसिटी जो है वो आएगी पी अपॉन 4 पाई 3d का स्क्वायर। ये किसकी वजह से, इमेज की वजह से, और वो किसकी वजह से था, ऑब्जेक्ट की। मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर कहो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या जाएगी, ये आ जाएगी पी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर प्लस पी अपॉन 4 पाई 3d का स्क्वायर, क्या आएगा पी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 1/9, यानी क्या आ गया 10/9 पी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, है ना। और अगर मैं कहूं ये ओरिजिनल इंटेंसिटी है तो आई वन अपॉन आई का रेशियो कितना आ जाएगा 10/9, यानी मिरर पे प्लेस करने से आपने क्या कर दिया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। सिंपल सा कांसेप्ट है, कोई डिफरेंस वाली चीज नहीं। तो यहां से अपना प्लेन मिरर फिनिश हो गया है, मैंने जितने पॉसिबल वेरिएशन थे ना वो करा दिए। अभी मुझे एक वेरिएशन याद आ गया जो छूट गया है, ठीक है, वो मैं वेक्टर फॉर्म का है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला बता दूंगा, उससे आप वहां पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर अपना कंप्लीट हो चुका है, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक, चलो।